इंशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में जिस तरह से हलचल मची थी, जनाब बंशनगिरी नयाज पाशा और एमएलए जमीर अहमद खान को लेकर, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा था किस तरह से दिन ब दिन जमीर अहमद खान साहब के फॉलोवर्स ने वीडियोस बनाते गए, जिसमें बहुत से फॉलोवर ने जो है बंशनगिरी के नयाज पाशा पर जो है गालियां बरसा दी। जी हाँ दोस्तों, गालियां बरसाते गए, गालियां गुलूस करते गए, लेकिन क्या कभी ने ये कोशिश की कि चलो आग जाकर इनको साथ में बैठकर इन दोनों को मिलाकर एक, जी हाँ दोस्तों, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर जगह पर आप लोग गंदे मैस गालियों से जो है वीडियोस बनाते गए और वीडियोस वायरल करते गए, जिसमें पब्लिक में ये मैसेज पहुंचता रहा कि मुसलमान के लीडर्स इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। एमएलए जमीर अहमद खान जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, आपकी गालियों से आपको लगता है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है? एमएलए जमीर अहमद खान के एक स्टेटस पर जो है वो एक दाग बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो एक एमएलए हैं और एमएलए का एक अपना स्टेटस होता है और उनके फॉलोवर्स जो एक हमदर्दी, जो एक मोहब्बत, जो एक चाहत में ये कर रहे हैं, उनको इसके बजाय कुछ और करना चाहिए था। उनको ये करना चाहिए था कि चलो साथ में बैठकर एमएलए जमीर अहमद खान को और बंशनगिरी के नयाज पाशा को साथ में बिठाकर इन दोनों का जो है आमना सामना कर समझौता कराना चाहिए था, ना कि वीडियो बनाकर उसको गाली देना था। और बंशनगिरी नयाज पाशा, जिन्होंने वीडियो एक बनाया, उसके बाद तो उनका कुछ वीडियो नहीं आया और उनके ना किसी फॉलोवर्स ने वीडियो बनाया। बहरहाल उनके करीबी दोस्त, उनके भाई, उनके चाहने वाले अंसर पाशा, जो एक नाम से जाने जाते हैं, अंसर नयाज, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जमीर अहमद खान साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। एक लीडर होने के नाते, एक कॉरपोरेटर, बीबीएमपी के एक कॉरपोरेटर जो खुद कांग्रेस पार्टी के हैं, जो अपने भाई जैसे, अपने दोस्त के साथ वजह से खुद माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। बहरहाल हमारे लोग, हमारे जो लीडर्स हैं, कोई आगे नहीं आया, कोई आकर ये नहीं सोचा कि चलो हम जाकर सामने बैठकर दारुल खजा में या चामराज पेट एमएलए ऑफिस में बैठकर इन दोनों का समझौता कराते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। शहर बेंगलुरु में मजाक बन चुका है, कितने लोग पीछे बात कर रहे हैं कि इतनी बुरी गालियां सुन रहे हैं और मजाक बना के हंस रहे कि देखो मुसलमानों के लीडर्स, देखो मुसलमानों के फॉलोअर्स। आज बड़ी अफसोस की बात है कि किसी के दिल में ये नहीं आया कि हम गाली गुलौज करने के बजाय जाकर बैठकर बात करेंगे, या चलो हम वीडियोस भी बनाते हैं तो प्यार मोहब्बत का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी राय रखे, अपनी माफ़ी मांगे या कुछ भी करे, क्या ये मोहब्बत से बात नहीं हो सकती थी? लेकिन आज उलमाए किराम आलिम दीन ने अपनी बात को सामने रखा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से उलमाए किराम ने इस बात को सामने रखा है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामीन हजरात, चंद दिनों से सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु के दो अहम शख्सियत के ताल्लुक से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें, गाली गलौज का मुजाहरा सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। यानी एक तरह से बेंगलुरु और कर्नाटक के मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है, बग़ैर किसी अहम मकसद और मतलब के। ना कोई उनवान है, ना कोई मकसद है, ना कौम व मिल्लत की फ़ायदे की चीज़ है। असल वजह यह है, कुछ दिन पहले नलपाड़ शादी महल पैलेस ग्राउंड में अकलियतों का एक प्रोग्राम मनाकिद हुआ, कांग्रेस की रेडियो के लीडरों के जरिए मनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ सब लोग जानते हैं। इसी प्रोग्राम के तनाजुर में बंशनगिरी अंजुमन इस्लामिया के सदर अलहाज नयाज पाशा साहब ने सोशल मीडिया के जरिए हमदर्द कौम बीजेट जमीर अहमद साहब से उसूल व हदूद के दायरे में रहकर चंद सवालात किए। जाहिर सी बात है
किसी भी कौम का मुस्लिम लीडर एमपी हो या एमएलए वक्त के अहम शख्सियात गाहे बगाहे मौका बमौका इस तरह के सवाल करते रहते हैं और हक भी यही है। होना तो ये चाहिए था कि बीजेट जमीर साहब नियाज पाशा साहब के सवाल की वजाहत फरमा देते तो बहुत अच्छा होता, चूँकि जमीन साहब कौम के अहम जिम्मेदार हैं और जमीन साहब कौम के लिए फलाही काम हो या समाजी काम हो या माशी हालात हो, जैसे गरीबों की शादी करना, उलमा गैर उलमा को हज उम्रे पर भेजना और नादार मुफलिसों को गाहे बगाहे अपने जान माल से इमदाद करना, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर अलहाज नियाज पाशा साहब ने, जो कि कौम मिल्लत के बड़े हमदर्द हैं, कई तालीमी इदारे के जिम्मेदार भी हैं, ये भी अपने इस्तेदाद के मुताबिक हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। याराना तौर पर व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नियाज साहब से कुछ सवाल किए, चंद बातें कहीं, लेकिन जब व्हाट्सएप क्लिप बाहर हुआ लग रहा था जमीन फट गई और आसमान रुई की तरह उड़ गया, चूँकि चंद शरीर किस्म के लोग खाह मखा जमीन साहब के साथ बेजा वफादारी किए और नाजिब और यहाँ तक के गाली गलौज बदअखलाकी नाजेबा कलिमात के जरिए बदला लेते रहे। क्या इस तरह बदला लेना सही है, जायज़ है? हम उलमा समझते हैं और यकीन भी है कि जमीन साहब के चाहने वालों ने जो कुछ हरकत किए और गाली गलौज कहे, जमीन साहब किसी भी दर्जे में इससे खुश न होंगे, जबकि इस तरह के इख्तलाफात का न कोई मौजू है न मतलब है। रात गई बात गई, समझ कर फितने को फैलाने से रुकना चाहिए था, ताकि मिल्लत के अंदर इंतशार पैदा ना हो, जबकि मौजूदा हालात में मुसलमानों पर आए दिन जो मुसीबतें आ रही हैं सब लोग जानते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि नयाज साहब के भाई दोस्त कौंसलर यस अंसर पाशा साहब ने स्टेटमेंट देकर माफ़ी तलाफी की बात करके फितने को बंद करना चाहा था, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे अखलाक बद अखलाकी के माहिरीन खा मखा जमीन साहब के पास अपने मफाद के लिए हरकतों से वफा मबाज न आए, माहौल को खराब बिगाड़ते रहे, अमन अमान की फिजा को ख़त्म करते रहे। दर हकीकत एमएलए जमीर अहमद साहब के चाहने वाले कहकर जमीर साहब की शख्सियत को बदनुमा दाग लगा रहे हैं। अवाम समाम ये समझने पर मजबूर हो गई है कि बीजेट जमीर साहब के इर्द गिर्द कैसे कैसे शर पसंद अफराद मौजूद हैं। हम उलमाए किराम ये समझते हैं कि इन बुरी हरकतों से जमीर साहब को भी काफ़ी परेशानी हुई होगी, चूँकि हमारा मजहब ये तालीम देता है कि कौम के अंदर अगर इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो आपस में सुलह कराया करो, इख्तलाफ लड़ाई झगड़े को हवा मत दो, तिनके को शोला मत बनाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहन्नुम के शोले बिखेर कर अपने आप को जन्नत तसव्वुर करते हैं। जब भी कोई वीडियो या क्लिप नयाज साहब की गाली साहब की, लिहाजा कायदीन हजरात को चाहिए कि इस मामले को रफा दफा करके मामले को संजीदगी के साथ ख़त्म करें और अमन अमान की फिजा कायम करें। अगर ऐसा ना हुआ तो हम बेंगलुरु के उलमाए किराम की नशिस्त मुनाकिद कर मजलिस मुशावरत के जरिए ये गैर ज़रूरी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की हिदायत अता फरमाए। वस्सलाम, शुक्रिया।